हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अभिनाश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों स्वागत है। बाबर आजम कप्तान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और बाबर आजम की कप्तानी में एक शानदार ऐतिहासिक जीत गौली क्रिकेट स्टेडियम में जो है पाकिस्तान ने हासिल कर ली है और दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से पाकिस्तान इस समय आगे है। मैच के बाद अब्दुल्ला शफीक की बाबर आजम ने खूब तारीफ की है, साथ में एक ऐसे खिलाड़ी की तारीफ की है जो दरअसल में बल्लेबाज नहीं है। हुआ कुछ यूं कि बाबर आजम के जो सबसे बड़े बल्लेबाज यानी कि अब्दुल्ला शफीक ने गोल टेस्ट मैच की चौथी पारी में 160 रन की नवाद पारी खेली, 408 गेंदों का सामना किया, 7 चौके एक छक्का लगाया, 342 रन का जो बड़ा टारगेट था वो चेज करना था। इससे पहले गोल क्रिकेट स्टेडियम में चौथी पारी में 268 रन जो है वो हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज था, 300 कभी भी चेज नहीं हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिखाया। और इसके सबसे बड़े अगर कोई हीरो रहे तो है अब्दुल्ला शफीक, जिसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए बाबर आजम ने उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा है कि मैं और अब्दुल्ला बस एक अच्छी पार्टनरशिप की जो है वो कोशिश में था और अच्छी पार्टनरशिप करने में हम लोग कामयाब भी हुए और आगे जो है जिस तरीके से इस युवा खिलाड़ी ने दम दिखाया है वो लाजवाब है। और अब्दुल्ला शफीक का यही क्लास है कि वो बेहतरीन बल्लेबाजी करते आए हैं शुरू से ही और हमें उन पर भरोसा था और उन्हें परफॉर्म करते देखना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एवं सभी को अच्छा लगा है। तो अब्दुल्ला शफीक के बारे में बाबर आजम का ये बयान है। जब उनसे पूछा गया था आप उनकी पहली पारी में जिस तरीके से बाबर आजम ने शतक लगाया तो उस पर कहा है कि बाबर आजम ने कहा है कि देखिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा पुछल्ले बल्लेबाजों का, यासिर शाह और नसीब शाह का, जिन्होंने मेरा साथ दिया और हमारे साथ बल्लेबाजी की टिके रहे और एक छोर पर टिके रहे, विकेट नहीं गवाया और जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान को मैं एक सही टोटल तक ले जाने में कामयाब रहा। आपको याद होगा 85 रन पे ही 7 विकेट पाकिस्तान के गिर गए थे, लेकिन शानदार 119 रन की पारी खेलकर बाबर आजम ने अपनी टीम को संकट से उबारा, 218 तक पहली पारी में लेकर गए, 4 रन की बढ़त जो है श्रीलंका को मिली थी, उसके बाद श्रीलंका ने 337 रन बनाया, 342 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला और 6 विकेट खोकर पाकिस्तान ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की जय हो। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मोहब्बत लुटाते रहिए। धन्यवाद।